Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, स्वागत है आपका सिने आजकल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों के साथ। रंजीत तिवारी की खबर के अनुसार संग्रामपुर प्रखंड के बरवा पंचायत के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि बिजली केवल दर्शन के लिए ही आती है। नया ग्रेड चालू होने के बाद भी गांव को उससे नहीं जोड़ा गया। अगर 7 दिनों के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में हम इससे भी तेज प्रदर्शन करेंगे। बंटी भारद्वाज को मिली जानकारी के अनुसार पटना के बेउर जेल के पास भव्य देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी के उभरते गायक बुलेट बाबा के भक्ति गीतों पर पटनावासी जमकर झूमे। इस दौरान गायिका प्रियंका सिंह ने भी अपनी भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भोजपुरी प्रचारक प्रिंस कुमार, सुजीत, मोहित सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। हर जगह कान्हा के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। गोविंदाओं की टोली मटकी फोड़ रही है। कृष्ण नगरी मथुरा और वृंदावन भी जगमगा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को जन्माष्टमी पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी भारतवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का सबसे प्रमुख संदेश है निष्काम कर्म। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें मन, वचन और कर्म में शीत और सदाचार मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मुंबई में इस त्योहार का कुछ ज्यादा ही उत्साह है, जहां गोविंदा टोलियां पर दही हांडी फोड़ने का खुमार देखा जा रहा है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने मठ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और प्रदेश के सभी लोगों को इसकी शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सैन्य अधिकारियों ने उन्हें रक्षा तैयारियों और घुसपैठ निरोधी ग्रिड के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश चुनाव 2018 के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा शहडोल पहुंची, जहां शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले के ब्योहारी में 116.78 करोड़ की हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 49 गाँव के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के मद्देनजर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा बाड़मेर पहुंची। बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि 50 साल के शासन में कांग्रेस ने हमेशा विकास की उपेक्षा की है। कांग्रेस की नीतियां उनके चलते राजस्थान का सबसे अहम जिला बाड़मेर लगातार पिछड़ता चला गया। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को निशाना बनाया। अब भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। सुबह घाटी में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पुलवामा और शोपिया जिले के कुल 20 गाँव में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी के सर में गोली भी लग गई। जन्माष्टमी के मौके पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने झारखंड के गढ़वा जिले के स्थित रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भगवान कृष्ण के नाम पर रखने का झारखंड सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार झारखंड की रघुवर दास सरकार की ओर से नगर उटारी स्टेशन के नाम का बदलकर बंसीधर नगर रखने का प्रस्ताव मिला था। सरकार इस शहर का विकास मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर करवाना चाहती है। मुंबई के विले पार्ले में महिलाओं ने दही हांडी फोड़ी। महिला क्लब की ओर से 18 सालों से दही हांडी फोड़ी जा रही है। मुंबई में तो दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदाओं के लिए मुंबई की सड़कों पर सामाजिक संगठनों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। मुंबई के दही हांडी में उत्सव में पुलिस बल वालों ने भी हिस्सा लिया। मथुरा से लेकर मुंबई तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो मुंबई में दही हांडी की धूम है।
मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के मौके पर नंदलाल के दर्शन करने पूरे देश से श्रद्धालु आए हैं। भारी बारिश के बाद भी यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मंदिरों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ी है। हर तरफ हाथी घोड़ापाल की जय, कन्हैया लाल की के नारे गूंज रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मची हुई है। राजधानी दिल्ली में आज जमकर बारिश हुई। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश से एक बार फिर से सड़कों पर पानी भर गया, जिसके कारण कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी बनती दिखी। सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि NCR का भी यही हाल रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते जो बढ़ोतरी चल रही है वो आज रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 31 पैसे बढ़ी है, तो वहीं डीजल की कीमत 44 पैसे की बढ़त देखने को मिली है। फिल्म निर्माता महेश भट्ट आगामी फिल्म जलेबी द एवरलास्टिंग टेस्ट ऑफ लव के लिए उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इसकी कहानी समस्या और कश्मकश के बीच जिंदगी जीने पर आधारित है। मीडिया को दिए गए बयान के मुताबिक महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म द्वारा समर्थित फिल्म 12 अक्टूबर को रिलीज होगी। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM India TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।